कटाई उपरांत संसाधन क्षेत्र की उपलब्धियां उल्लेखनीय हैं। मूल्यवर्धित उत्पाद जैसे स्नोबॉल, नारियल चिप्स, वर्जिन नारियल तेल आदि का विकास किया गया है। वर्जिन नारियल तेल बनाने की मशीन, विभिन्न क्षमता के खोपड़ा ड्रायर, खोपड़ा आर्द्रता मीटर, मृदु फल पंच और कर्तक, शेल्फ निकालने की मशीन आदि का विकास किया गया है। भारत विश्व का सबसे बड़ा सुपारी उत्पादक देश है। भारत में 3.8 लाख क्षेत्रफल से 4.8 लाख टन सुपारी का उत्पादन होता है और उत्पादन क्षमता प्रति हेक्टेयर 1268 किलोग्राम है। कोको एवं सुपारी की प्रौद्योगिकी गतिविधियों के हस्तांतरण के क्षेत्र में प्रादेशिक केंद्र विट्ठल संकेंद्रित है। यहाँ 164 सुपारी प्रजातियों का जनद्रव्य संग्रहण है, जिनमें 23 विदेशी और 141 देशीय प्रजातियां हैं। केंद्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान द्वारा 5 उच्च उपज प्रदत्त प्रजातियां मंगला, सुमंगला, श्रीमंगला, मोहित नगर और स्वर्णमंगला का विमोचन किया गया है। स्थानीय प्रजातियों की तुलना में ये 50 से 85% तक अधिक उपज देती हैं। हिरेहल्ली बोनी के साथ क्रमशः सुमंगला और मोहित नगर के संकरण से उत्पन्न दो बोनी संकर किस्में VTLAH-1 और VTLAH-2 का विमोचन किया गया। यह संस्थान की महत्वपूर्ण देन है। प्रादेशिक केंद्र विट्ठल में नर्सरी प्रबंधन, रोपाई, उर्वरण और सिंचाई के लिए पद्धतियों के पैकेज का विकास किया गया है। सुपारी के कीट एवं रोग के लिए समीकृत प्रबंधन तकनीकी का विकास किया गया है। स्टेशन में सुपारी सहित विभिन्न फसलन पद्धतियों का मानकीकरण किया गया है। कोको, केला और मसाले के साथ मिश्रित फसलन आदि लाभदायक पाया गया है।
मुख्यालय एवं प्रादेशिक केंद्रों के सामाजिक विज्ञान प्रभाग की व्यवस्था अच्छी तरह की गई है। सामाजिक विज्ञान के विस्तार अनुभाग द्वारा विभिन्न प्रौद्योगिकी हस्तांतरण गतिविधियां जैसे प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्रौद्योगिकियों की क्षेत्र प्रदर्शनी, अनुसंधान विस्तार, कृषक अभिमुख कार्यक्रमों का आयोजन, प्रदर्शनियां, संगोष्ठियां, जन माध्यम अंतक्षेप, साइबर विस्तार कार्यक्रम इत्यादि आयोजित किए जाते हैं। इसके अलावा विस्तार अनुभाग द्वारा प्रौद्योगिकी प्रजनन के विभिन्न विषयों पर अनुसंधान, मुख्य फसलों में हस्तांतरण एवं उनका उपयोग भी किया जाता है। कृषकों को आवश्यकतानुसार गुणी रोपाई सामग्री का वितरण किया जा रहा है। इस संस्थान के अधीन कासरगोड और आलपुड़ा जिलों के कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा कृषकों, कृषक महिलाओं, ग्रामीण युवकों और उद्यमकर्ताओं के ज्ञान एवं कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। प्रौद्योगिकियों के परिष्कार एवं निर्धारण के लिए विशेष प्रदर्शनियां और फार्म परीक्षण आयोजित किए जाते रहे हैं। कासरगोड में स्थित कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केंद्र कृषकों के लिए एकल खिड़की पद्धति के रूप में कार्यरत है। जो कृषि को पसंद करते हैं उनको उचित गुणी रोपाई सामग्री और अन्य निवेश सूचना सेवाएं प्रदान की जाती हैं और प्रौद्योगिकी सहायता दी जाती है। सिस्टमैटिक एंड फोकस्ड रिसर्च अंडरटेकन बाय द इंस्टीट्यूट ओवर द लास्ट सेवरल डिकेड्स has resulted in the development of large number of technologies to benefit the farming community to enhance their productivity and profitability. Technologies like high-yielding varieties, cropping system models, mixed farming system, integrated nutrient management, integrated pest and disease management, value addition technologies, and the machineries will greatly help the farming community to reap better harvest from their farming and to achieve competitive. By bringing in new tools of science for the technology-led development of the sector and farmers' prosperity.